कल मौनी अमावस्या का स्नान है और आप देख रहे हैं कि आज भी भीड़ बहुत सारी है, तो इसको देखते हुए हमें जो आइडिया लग रहा है कि भीड़ 40-50 लाख तक पहुंच सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर सेक्टर में जितने 5 सेक्टर है हमारे, मिनिमम 4 SDM रैंक के अधिकारी लगाए हैं और हर सेक्टर के लिए एक एक ADM को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जितना पार्किंग है, रेलवे स्टेशंस है या रूट्स हैं जहाँ जहाँ से पब्लिक का आना होगा, तो हमने हर जगह पे ADM साहब को प्रभारी बनाया है और उनके अंडर में कई सारे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है। तो हमने पर्याप्त संख्या में ऑफिसर्स की नियुक्ति करी है ताकि, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं पुलिस ऑफिसर्स, उनकी ब्रीफिंग भी किया है ताकि पुलिस ऑफिसर और हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो साथ रह के ड्यूटी करें और कहीं किसी तरह का भी कोई ज़रूरत पड़ता है तो उस पर तत्काल से कार्रवाई कर सकें। कोविड को लेकर भी कोविड के लिए हम लोगों ने 21 एंट्री गेट्स बनाए हैं, तो जहां से भी कोई व्यक्ति अंदर एंट्री करेगा तो वहां हम लोगों ने उन एंट्री गेट्स पे 10-10 कर्मचारी रखे हैं, जिस पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं और ग्राम विकास के कर्मचारी भी हैं। तो जो भी एंट्री करेगा उनका हम लोग अच्छे से स्कैनिंग करेंगे, और जिन्होंने मास्क नहीं पहना है तो उनको हिदायत भी देंगे और मास्क ना होने की दशा में उनको मास्क भी देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड के लिए हेल्प डेस्क बना रखी हमारे संगम नोज पे, तो वो सुनिश्चित कराएंगे कि हर व्यक्ति मास्क लगाए, और वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। तीसरा, हम लोगों ने ये किया कि लगातार हम लोग हमारा जो ICCC है उसके माध्यम से अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि मेला क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग हैं वो मास्क ज़रूर पहने और जो कोविड का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन ज़रूर करें। तो सुनिश्चित कराया जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल के जितने भी नियम हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। थैंक यू।